सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सबके सब? सब बढ़िया। तो मेरा नाम है कमलेश शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे वीडियो में कि आप जो कोर्स का जो सिस्टम रहता है, आपने कई सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा लेफ्ट हैंड से जो सभी के सभी कीबोर्ड प्लेयर, पियानो प्लेयर जो कोडिंग करते हैं, तो वो आप कैसे सीखे। और जो भी इसका जो भी फंडा रहता है, जो भी इसकी मेथड रहती है, वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोडिंग का क्या सिस्टम रहता है और आप किस तरीके से कोड्स याद कर सकते हो, बजा सकते हो और किसी भी गाने में कोडिंग प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज से शुरू करूंगा। जो बंदे एकदम नए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें दो तीन गाने प्ले किए हैं या फिर बाद में शुरू से सीख रहे हैं एकदम और उन्हें कोड्स का फंडा सीखना है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आप इस वीडियो के थ्रू आसानी से कोडिंग सीख जाएंगे और जो जितने भी कोर्स हैं उन सब की आपको जानकारी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, टोटल ये हमारा कीबोर्ड है जिसे हम, ये एक्चुअली कीबोर्ड है, सिंथेसाइजर भी लोग इसे कहते हैं, पियानो भी कई लोग कहते हैं, केशियो भी इसको कह सकते हैं, ऑर्गन, केशियो, कई सारे इसके नाम हैं। पियानो होता है वो बड़ा होता है, बट इसकी साउंड पियानो की इसी तरह रहती है। ओके, और इस डिजिटल कीबोर्ड में कई सारी अलग अलग धुनें होती हैं, इसलिए जिस हिसाब से आप इसको कहें वो हिसाब से आप कह सकते हो। मेन कोडिंग है वो सभी में चीज़ों में लगती है। कोडिंग आपके जो गाने हैं उसमें एक अलग ही वेरिएशन लाती है और एक अलग ही इफेक्ट लाता है, अगर तो उसमें एक इफेक्ट अलग ही लाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के आपको आपको पक्का ज्ञान होगा कि जो कोडिंग का महत्व क्या है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं और डायरेक्ट बेसिक से शुरुआत करते हैं कि कोडिंग है क्या और मेन आपको किस तरीके से आप किसी भी गाने में कोड्स प्ले लगा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को ड्राइंग के साथ सीखो तो आपको लंबे समय तक याद भी रहती है और आपको समझ में भी जल्दी आता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पियानो ड्रॉ करते हैं, उसमें समझते हैं किस तरीके से कोड लगते हैं और कौन से कीज क्या होता है सिस्टम पूरा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो एक ऑक्टेव में टोटल 12 की होती हैं, 12 सुर, 12 की होती हैं। ठीक है, और वही अलग अलग ऑक्टेव में प्ले होता है। जैसे अगर आप एकदम बेसिक है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखो पांच पांच का जोड़ा देख रहे होंगे, 1 2 3 4, फिर मतलब इधर पांच पांच यहाँ पे ब्लैक कीज का, तो इसके जो ये यहाँ तक की लाइनें हैं इसको एक ऑक्टेव कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जिसमें 12 कीज होती हैं, जिसमें 5 ब्लैक और 7 वाइट। जैसे हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ तक ये एक ऑक्टेव है और यहाँ तक भी एक ऑक्टेव है। सेम चीज़ें आगे यहाँ पे बढ़ती जाएगी, इसलिए जो यहाँ पे नीचे की साइड होती है उनकी आवाज़ मोटी होती है, बीच में की मीडियम और आगे की तीखी, जैसे आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे मेन इस तरीके से ऑक्टेव होते हैं। कई सारे बटन हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए अगर आप इसको याद रखें, अगर आपको सही से सीखना है लंबे समय तक, तो इसमें सभी के नाम दे दिए गए हैं। हिंदी में जैसे सारे गामा कहते हैं, इंग्लिश में सी डी एफ जी के हिसाब से भी इसमें सीखा जाता है, इसलिए हम सरल तरीके से देखेंगे जिसमें आप कोडिंग को भी आपको समझ में आ जाए और आप मेलोडी भी सही तरीके से निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 12 की हैं, यहाँ पे जैसे हमने मैंने यहाँ तक मार्क किया, तो सभी की के हम एक नाम दे देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। जो यहाँ पे शुरुआत होती है, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, शुरुआत इसकी इस की से हो रही है। ओके, ऑक्टेव की शुरुआत इस की से हो रही है, जैसे आप यहाँ पे भी एकदम एंड में देखो तो इस की से यहाँ से शुरुआत हो रही है और उधर भी सेम फंडा है और लास्ट में भी। ठीक है, तो इस की से यहाँ से शुरुआत हो रही है तो इसका हम नाम देते हैं सी। ठीक है, आपको सभी बेसिक जानकारी पता है, तो यहाँ पे ये सी हो गया, इसके आगे वाला हो गया डी। ओके, इसके आगे वाला हो गया ई, इसके आगे वाला हो गया एफ, इसके आगे जी और इसके आगे ए और बी, यहाँ तक खत्म जैसे मैंने मार्क किया था। तो ये इसके सभी कीज के नाम है, सी डी ई एफ जी ए बी। टोटल अगर आपको कोडिंग की बात करें, हम सीखने वाले हैं कोर्स, ठीक है, तो टोटल अगर आपको मैं अभी स्टार्टिंग में बता दूँ तो टोटल 24 ही कोर्स होते हैं। ठीक है, आपको ओनली 24 कोड सीखना है और जैसे आप 24 सीख गए तो आप, मैं बता दूँ, आप किसी भी गाने में कहीं से भी कोड लगा सकते हो और कैसे भी तरीके से आप कोडिंग सीख सकते हो और कोडिंग को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये 24 कोड्स कौन से हैं और किस तरीके से आप इनको ढूंढोगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, टोटल की कितनी है, 7, ये हमने देख ली, 7 हमने फाइंड कर ली, अब बाकी रही हमारी 5। ठीक है, हमने 7 को
सात की का तो हमें पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे सात की है। अब बाकी रही पाँच। अब पाँच हम कैसे कैसे ढूंढेंगे, तो देखो सी है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर हो जाएगा सी शार्प, ओके। डी है उसके ऊपर हो जाएगा डी शार्प, ओके। ई है, ई का कोई भाई बंधु है नहीं इसलिए ई रहेगा अकेला। एफ है तो एफ के ऊपर क्या है, एफ शार्प, बहुत बढ़िया। जी है, जी के ऊपर रहेगा जी शार्प। ए है, ए के ऊपर रहेगा ए शार्प, क्लियर। बी है, बी का भी कोई भाई बंधु है नहीं इसलिए बी भी रहेगा अकेला। तो यहाँ पे आप जैसे समझ सकते हो, सी के ऊपर सी शार्प, डी के ऊपर जो ब्लैक की है डी शार्प, एफ के ऊपर एफ शार्प, ई रहेगा अकेला, जी के ऊपर जी, ए के ऊपर ए शार्प, बी रहेगा अकेला। तो इस तरीके से हमारे जो 12 सुर है उनके नाम है। आप जो YouTube पे भी कई सारे पियानो वीडियोस हैं जिसके ऊपर नोट्स दिए हैं, तो नोट्स की मदद से भी आप इस तरीके से कोई भी गाना फाइंड आउट करके कर सकते हो। लेकिन हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग में जैसे मैंने आपको बताया टोटल यहाँ पे 12 कीज के आपको नाम यहाँ पे सही समझ में आ गए। अगर आप नए हैं तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर बाद में जब भी आप मतलब कभी भी आपको भूल जाए तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। और बाकी मिनिमम अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें तो आपको आसानी से याद हो ही जाएंगी। तो ठीक है, सी के ऊपर सी शार्प, डी के ऊपर डी शार्प, ई अकेला, एफ शार्प, और जो भी मेथड है वहाँ तक। फिर आगे सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे दो ब्लैक कीस है, यहाँ पे भी दो ब्लैक कीस है, तो इसके नीचे हो गया सी और इसके नीचे हो गया वापस सी शार्प, इसके नीचे हो गया डी, इसके नीचे वापस हो गया डी शार्प, क्लियर। यही सेम चीज़ इधर है, सी सी शार्प डी डी शार्प ई, और फिर बाद में उसी लाइन में आगे ये प्रोसेस चलता गया, ओके। तो यहाँ पे हमारे कीस हमें सबको पता चल गए। अब बात करते हैं हम कोई भी कोड कैसा लगता है। देखो कोई भी कोड होता है, कोई भी तीन कीस एक साथ प्ले होती है ना, तो उसको बोलते हैं कोड। कोड्स में देखो दो प्रकार होते हैं, एक मेजर एक माइनर, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और आपको आगे भी काम आएगी। दो कौन से दो प्रकार होते हैं, मेजर और माइनर। मेन हम देखें तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने कीस हैं, हमारे एक ऑक्टेव में टोटल 12 की हैं, ओके। एक ऑक्टेव में मेरे अक्षर कई ज़्यादा गंदे हैं लेकिन आप समझ सकते हैं, एक ऑक्टेव में यहाँ पे 12 की हैं, ठीक है। 12 × 2 = 24 कोड टोटल होते हैं। अब मैंने यहाँ पे गुणा दो क्यों किया है, कोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मेजर एक होता है माइनर, ओके। अब ये दोनों आप कैसे फाइंड आउट, अरे मैं इसको एक बार बंद करता हूँ और जब काम होगा तब चालू करेंगे। तो कोड हमारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर एक माइनर, ओके। तो यहाँ पे मेजर कोड किसे कहते हैं, माइनर कोड किसे कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मेजर कोड ढूंढते कैसे, माइनर कोड ढूंढते कैसे, मैं इधर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ ये कैसे होता है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। मेजर मीन्स 158, माइनर मीन्स 148, ओके। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो टोटल 12 कीस एक ऑक्टेव में होती है, ठीक है, और एक की से दो कोड निकलते हैं, एक बटन से एक की से दो कोड निकलते हैं। दो कोड कौन से, एक मेजर मेजर और एक माइनर, क्लियर, सभी चीज़ क्लियर। एक की से दो कोड निकलते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर किसे कहते हैं, मेजर कोड लगता है 158 की 158 फॉर्मूला से, माइनर कोड लगता है 148 फॉर्मूला से, ठीक है। अब ये 158 148 फॉर्मूला क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। हमारे सिंथेसाइजर को करते हैं फिर से चालू, 24 कोड कौन से वो हम देख लेते हैं, फिर फंडा खत्म, उसी का आपको प्रैक्टिस करना है और आप आसानी से कोडिंग सीख जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारी जो पहली की है वो कौन सी है, सी, कौन सी है, सी, ओके। तो अब हमें ढूंढने हैं इसके दो कोड्स, एक मेजर और एक माइनर। जैसे मैंने आपको कहा एक की के दो कोड्स लगते हैं, तो एक मेजर कोड हमें ढूंढना है और एक माइनर कोड हमें ढूंढना है, ठीक है। तो मेजर का फॉर्मूला क्या है, 158, क्या है, 158। तो यहाँ पे देखो जैसे हम जिस की को प्रेस करते हैं उसी को हमें 1 मानना है, तो यहाँ पे ये हो गया 1। अब 5 कौन सा है, उसके ही आगे 5 कीज, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो हमें दूसरा 5 कौन सा है, क्लियर। अब कोर्स बनता है 3 की से, तो हमें तीसरा ढूंढना है, तीसरे कौन सा है, 8, 158 में 8, तो जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 7 8 हमें यहाँ पे हमारे तीन कीज मिल गई। अब तीनों कीज को हम एक साथ दबाएंगे, एक साथ प्रेस करेंगे, तो वो बनेगा हमारा सी कोड, ओके। यहाँ पे भी कोड में यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, इससे हमें पता चलता है कि हम सही बजा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी,
अब इधर सी का ही हमें अगर माइनर कोड ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला है 148, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इधर 158 है, इधर 148 है, मींस खाली इधर 5 है इधर 4 है, वही डिफरेंस है। तो हमारा 1 तो यही है, अब 4 कौन सा है, 1 2 3 4, दो किस होंगे, अब तीसरा 8 वही 4 5 6 7 8, इन तीनों को साथ में प्ले करेंगे 148 को, तो हमारा बजेगा सी माइनर कोड, यहाँ पे हम देख सकते हो। तो एक सी के कितने कोड हुए, दो कोड हुए, सी और एक सी माइनर। क्लियर क्लियर, समझ गए सब, काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ थी, इसी चीज़ सेम चीज़ आगे बढ़ेगी। अब इसमें देखो कोडिंग का क्या है, जैसे हम कोई भी एक सॉन्ग प्ले करते हैं, 1 2 3 हिंदी सॉन्ग है आपका सुना हुआ होगा, तो उसको हम प्ले करें तो कोडिंग के साथ सी दो कोड लगेंगे, एक सी और एक सी माइनर, जो अभी मैंने आपको सिखाई। फिर से क्लियर, कितना अच्छा लगा। इसमें देखो दो ही कोड लगने थे, एक ही है एक ही, हमें पता चल गया कोड की जो मेन, हमें कैसे आप सीधे सीधे रट भी सकते थे, लेकिन आपको एक मेन पीछे का जो ख्याल मालूम रहता है तो आपको लंबे समय तक याद रहता है, और आप अपने हिसाब से भी कुछ फाइंड कर सकते हो इस मेथड के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे देखो सी हुआ, उसी तरीके से हम डी का कोई कोड देखेंगे, डी के भी दो कोड होंगे मेजर और माइनर। यहाँ पे देखो एक बार डी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब इसका मेजर ढूंढेंगे 158 से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दो मिल गए, अब इसका आठवा 5 6 7 8, यहाँ पे देखो कोड डी लग गया। अब इसका डी माइनर 1 2 3 4 और यहाँ पे 148 है, तो 5 6 7 8 डी माइनर आ गया। इसी तरीके से सभी के सभी कोड हमारे लगेंगे, डी का भी इस तरीके से लगेगा, ई का भी इस तरीके से, एफ का भी इस तरीके से, जी का भी इस तरीके से। अगर हम कोई एक एफ शार्प का लें, तो जैसे हम एफ शार्प का दोनों कोड फाइंड करते हैं, जिसमें देखो एफ शार्प यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब इसका पांचवा कौन सा, देखो पहले मेजर फाइंड करते हैं 158, तो 1 2 3 4 5 ओके, फिर 6 7 8 एफ शार्प ओके। अब इसका माइनर 1 2 3 4 6 7 8 ओके 5 6 7 8 ओके एफ शार्प माइनर। क्लियर, पूरे पियानो में पूरे कीबोर्ड में इन्हीं 24 कोड को आपको समझना है, इनका डेली रियाज कीजिए और इनका जो बेसिक है होप आपको यहाँ तक मालूम पड़ गया होगा, और इतने कोड्स हैं आपको समझने, इतने को ही आपको प्ले करना है। सबसे पहले कोई भी गाना अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले उसकी मेलोडी फाइंड कीजिए, और जहाँ पे भी उसका कोड लग रहा है, जैसे अभी मैंने प्ले किया 1 2 3 ठीक है, तो इसमें देखो एंड कहाँ हो रहा था, क्लियर, तो इसमें हमारा कोड लग गया सी। फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे माइनर लग जाएगा। क्लियर, तो होप आपका जो कोड का फंडा हो गया हो कंप्लीट हो चुका होगा, और जो बेसिक नॉलेज है आपका वो भी कोर्स का कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, और कोई भी मेरे से भूल चुक हुई हो तो माफ कीजिएगा, और आगे आपको कोर्स के और भी लेसन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके पक्का बताइए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को इतना समय दिया। ठीक है, हाँ, तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, और कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कोई भी कोड का भी एक और लेसन हो सकता है, कोई भी गाना आप किस तरीके से अपने कीबोर्ड के ऊपर प्ले करें, या और भी म्यूजिक रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो। ठीक है, तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और अपना ध्यान रखें, गुड बाय।